व्हाट्स अप गाइस, लक्ष्य चौधरी चैनल पे आई है वीडियो जिसका टाइटल है बिग बॉस जस्ट गॉट वर्स एमसी स्टैन साजिद खान रोस्ट। तो लक्ष्य भाई के अंदाज में तो वीडियो वैसी मस्त होने वाली है, लेकिन आज क्या क्या बातों पे क्या क्या जुलूस निकला है इसका देखते हैं। मैं पता सोच ही रही थी कि बिग बॉस आ गए इस बार रोज नहीं बना तो दिया है हमने करा तो डायरेक्ट शायद नहीं बहुत वो तो फिर एक ही बात सबके ही रुवाते हैं ना। दिस वीडियो इज फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस और दिल पे छाती और गुर्दे नाले है ना। लेट्स एंजॉय 1 2 3 लेट्स गो। सो हे गाइस, न्यूज़ वायर। अरे भाई मेरा सेटअप है यार, तुम जाके नियॉन मैन से न्यूज़ कंपटीशन करो भाई। भाई आपसे आपका न्यूज़ नहीं देने वाला मैं अभी कंट्रोवर्सी करके देता हूँ भाई, दोनों भाई स्पॉन्सरशिप से पैसा कमाएंगे। तो गाइस हम न्यूज़ बॉय की तरह बिल्कुल नहीं करेंगे, हम अपने पोजीशन की एकदम मिनिमम क्लिप्स यूज करेंगे फॉर ऑब्वियस रीजंस। सो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले उस शो की जो WWE को पिछले 15 सालों से बेस्ट स्क्रिप्टेड फाइट्स में सेकंड नंबर पे रखा है। सो जो इस साल इस शो को देख रहा है उसको सब समझ आ जाएगा, और जो नहीं देख रहा उसको ये वीडियो एक फनी रेंट वीडियो लगेगी, मतलब दोनों का ही फायदा है। अभी शो का 16वां सीजन भी आ गया है, क्यों और किस लिए ये तो कोई नहीं जानता, बट हाँ अब किन्हीं भी दो क्रिएटर्स के बीच में अगर बीफ होगा तो दोनों को ही व्यूज बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि अब वो वाली ऑडियंस अपना फेवरेट शो देखने में बिजी होगी। सो 13 सीजन मतलब सिद्धार्थ शुक्ला वाले सीजन के बाद शो की टीआरपी कुछ इस तरीके से गिर रही है जैसे कुछ लोगों के स्टैंडर्ड्स, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि पिछले 2 सीजन से व्यूवर्स इस शो को इतना कम क्यों देख रहे हैं, मतलब इससे पिछले वाले की तो स्क्रिप्ट भी ठीक ठाक थी। सो इस बार यहाँ पे भिन्न प्रकार के बिल्कुल नहीं इन्हीं के किसी पुराने सीरियल शो में से उठाए हुए लोग, साथ में कुछ फ्लॉप एक्टर और सिंगर्स जिनमें से इक्का दुक्का को छोड़ के विकिपीडिया तक जिन्हें नहीं जानती। तो इस बार का सबसे स्पेशल और खास कंटेस्टेंट अब्दू को इग्नोर करके एमसी स्टैन की बात करते हैं। तू इंग्लिश संडस में वो भी वेस्टर्न कल्चर है छूते। एमसी स्टैन, स्टैन का तो मतलब जो भी हो, पर एमसी ये है या इसकी ऑडियंस मुझे समझ नहीं आता। नहीं विश्वास हो रहा तुम्हें नीचे कमेंट सेक्शन में दिख जाएगा। एमसी स्टैन ने उतनी कॉन्ट्रोवर्सीज की है जितने इसने गाने किए हैं। क्या मतलब है, इसके गाने कंट्रोवर्सी से कम नहीं है। अब तक बिग बॉस में जितने पार्टिसिपेंट आए हैं उनकी घर में हुई फाइट उनके फैंस के लिए कुछ नहीं थी, बट एमसी स्टैन के फैंस के लिए रोज का है। खैर एमसी स्टैन को स्टैंड पे लगा देते हैं क्योंकि इसके ऊपर इतने शॉट्स लेना काफी है, वीडियो पे एंगेजमेंट बन जाएगी। कुल्ला की पब्लिक अपने फ्रंट एंड आईफोन 6 से कमेंट करती होगी। बिग बॉस की टीआरपी इस सीजन में पिछले दोनों सीजन से ज्यादा होगी, क्योंकि एमसी स्टैन के साथ साथ पुराने वाले बिग बॉस की वाइब भी तो वापस आ गई है, क्योंकि बहुत टाइम बाद बिग बॉस में ऐसे पार्टिसिपेंट आए हैं जिन्हें बातें कम और गालियां ज्यादा समझ आती हैं। ओल्ड बिग बॉस इतना मारूंगा मार तेरा बाप भी याद करेगा समझा। एमसी स्टैन की पब्लिक को ये लग रहा होगा कि अपने भाई बिग बॉस में आ रहे ले, मतलब अपना भाई एकदम सेलिब्रिटी बन चुका। पर इनको कोई पिछले सीजन की हाईलाइट दिखा के बता दो कि बिग बॉस में हर साल एक कार्टून भी बुलाया जाता है। सन्ना भाई टाइम आउट। ना ना जब हद में रहना मेरे साथ। जब किसी ने सलमान भाई को रैप के बारे में बताया तो सलमान भाई ने सोच लिया कि मैं रैपर बनके इसे भी गानों और मूवीज की तरह खराब कर दूंगा, पर जैसे ही वो एमसी स्टैन से मिले उन्हें समझ आ गया कि जोनर में भी कोई स्कोप नहीं बचा। इस बार बिग बॉस ने सोच ही लिया था कि जब तो वैसे भी नहीं रही तो इससे बढ़िया टीआरपी कमा लो, तो सिर्फ इसीलिए एमसी स्टैन की एंट्री हुई है बिग बॉस में। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मेन प्रॉब्लम ये होगी कि इस शो में गालियां टेलीकास्ट नहीं की जाती, सो एमसी स्टैन की पब्लिक को तो अपना भाई दिखेगा ही नहीं। खैर मेरी ये बात उतनी अननेसेसरी थी जितना एमसी स्टैन हिप हॉप इंडस्ट्री में। और मेरी एक सलाह भी एमसी स्टैन को, भाई अपने ट्विटर बॉट स्टैंड कराने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम्हारी पब्लिक ट्विटर पे नहीं है। क्यों कैसे? अरे भाई आईफोन 8 से पुराने सारे वेरिएंट्स में ट्विटर डिसकंटिन्यू हो चुका। तो इसके बाद आते हैं इस सीजन की शहनाज गिल पे, अरे मतलब वो जिसकी क्यूटनेस को बीच बीच में यूज किया जाता है शो की टीआरपी के लिए। इस सीजन वो है अब्दू। अब्दू एक ताजिकिस्तानी सिंगर है, म्यूजिशियन है एंड बॉक्सर भी है। इस सीजन के सबसे फेमस कंटेस्टेंट अब्दू ही है। अब्दू एक अच्छे सिंगर होने के साथ साथ अपनी कम हाइट की वजह से भी फेमस है। सही है यार, अब्दू एटलीस्ट अपनी कम हाइट की वजह से तो फेमस है। वन नाइट शो की ऑडियंस कम दिमाग, और ये शो अपनी कम इज्जत की वजह से फेमस है। अब्दू के बारे में बात करते हुए मुझे जोक नहीं आते बल्कि इनके ऊपर दया आती है, क्योंकि अब्दू एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थे, ऐसे कॉन्टिनेंट के कोने पे थे जहाँ पे गवर्नमेंट सर्विस और फैसिलिटीज का भी कभी फायदा नहीं ले पाए। इन्होंने अपने टैलेंट को सवारा, बहुत हार्डवर्क किया, बहुत मेहनत की, एक अच्छे सिंगर बने, उसके बाद UFC प्लेयर से कांटेक्ट बना के UFC के प्रमोटर बने, अब ठीक ठाक पैसे कमा के अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, और लाइफ में इतने स्ट्रगल्स फेस करने के बाद भी इन्हें बिग बॉस में आना पड़ा। बिग बॉस मेकर्स को लग रहा था कि वो अपने शो में कुछ नया नहीं कर रहे, इसीलिए उनको इंडियन ऑडियंस से गालियां पड़ रही हैं। सो उसी का रिजल्ट ये अब्दू को शो में ले आए ताकि विदेश के ऑडियंस की भी गालियां पड़े। अब्दू जैसे ही बिग बॉस के घर में एंटर किए, वो पहले ही हफ्ते कैमरा में झांक के डंबल्स की रिक्वेस्ट कर रहे थे। देखो अब्दू आप विदेश से आए हो, आपको इस शो का कॉन्सेप्ट नहीं पता, यहाँ पे पहले आपको 8-10 लोगों से झगड़ा करना पड़ता है, फिर कुछ चीज आएगी, सलमान भाई के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है, तब आपको चावल दाल रोटी मिलती है। डंबल के लिए तो पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। इसके अलावा शो में साजिद खान भी हैं, कॉमेडी के बेताज बादशाह। देखो साजिद सर, हमें पता है, सबको पता चल गया बाहर की आपको शो में इमेज वॉशिंग के लिए लाया गया है, पर थोड़ा सब्र रखो, एकदम से इतना अच्छा बनने से भी लोगों को आपकी फिल्में पसंद आना शुरू या आपके
ऊपर लगे इल्जाम भूल नहीं जाएंगे वो। अब बहुत से लोग घर के अंदर साजिद खान सर के आगे पीछे घूम रहे हैं, उनको सर सर बोल रहे हैं, उनकी चेला चपाटी करती कर रहे हैं, क्योंकि साजिद खान एक डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, फराह खान के भाई है, तो इनको लग रहा है कि इनके कोई चांसेस है टीवी में आने के। अरे इन्हें कोई बताओ कि साजिद सर खुद लास्ट टाइम टीवी पे मी टू की न्यूज में आए थे। अगर आपको पता नहीं कि इस साल अब्दू को क्यों लिया गया शो में, तो ये अंदर की न्यूज है कि बिग बॉस खुद चाहते थे कि ये शो विदेश तक फैले, क्योंकि जिस हिसाब से शो की टीआरपी पर सीजन गिरती जा रही है, बिग बॉस खुद अपनी प्रोफाइल विदेश तक भेजना चाह रहे हैं फॉर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज। सीजन 14 में निक्की की जान कुमार सानू को जब राहुल वैद्य ने नेपोटिज्म प्रोडक्ट बोल दिया था, तो सब लोगों ने जस्टिफाई किया था कि नहीं ब्रो, वो सिर्फ इसलिए फेमस नहीं है कुमार सानू का बेटा है, बल्कि उसके अंदर भी कोई टैलेंट है और इसीलिए लोग उसको पसंद करते हैं। बट अगर इस साल किसी ने साजिद खान सर के लिए ये बात बोल दी तो उसको तो कोई डिफेंड भी नहीं करेगा। कहते हैं बिग बॉस जाने के बाद लोगों का करियर खत्म हो जाता है, लेकिन इन्होंने तो पहले ही ये काम कर दिया। साजिद खान की ज्यादातर फिल्मों का नाम एच लेटर से शुरू होता है और इनका करियर अरे फराह खान भाई देखो कुछ कंट्रोवर्सी होती है जो यूट्यूब वाले कवर करते हैं, कुछ होती है जो मेनस्ट्रीम मीडिया वाले कवर करते हैं, पर इनके वाली कंट्रोवर्सी तो खुद इनके विकिपीडिया पेज ने कवर की है। साजिद खान को इस साल बिग बॉस में अब्दू का ट्रांसलेटर बनने की जॉब दी गई है और ये काम इनकी जिंदगी का दूसरा सबसे जरूरी काम बन गया है, क्योंकि पहला तो एक्ट्रेस और मॉडल्स को, बट साजिद खान टैलेंटेड तो है ही। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस शो में एक्टर एक्ट्रेस में से किसको साजिद खान की मूवी के साथ अपना करियर खत्म करने का मौका मिलता है। वैसे क्या जरूरत थी साजिद खान को बिग बॉस में बुलाने की, एमसी स्टैन को ले तो रखा है सीजन में लड़कियों से बदतमीजी करने के लिए। 98वां दिन। अच्छा अबे यार सुबह से बैठे बैठे खाते खाते थक गए, जा चाय बना ला। पत्ती नहीं है। अबे तू तो सुबह पी रहा था। अबे मैं किचन में काम करता हूँ, मैं तो पीऊंगा ही ना। तो जैसे उसे गार्डन की ड्यूटी दे रखी हो, गार्डन में काम करता हूँ, घास खा जाएगा सारी। अबे बाहर करियर का टेंशन चल रहा है, अभी अंदर दिमाग खराब मत कर, फ्लॉप रोस्टर। अबे फ्लॉप न्यूज एंकर, मेरे से जवान मत लड़ा। अबे बाप पे मत जा। बाप पे तो मैं गया ही नहीं भाई। अरे जाना फिर, तभी तो लड़ाई होगी। चल फिर गार्डन में लड़ रहे हैं, तभी करियर चलेगा बिग बॉस में। जितने अच्छे से मार्वल फेज 4 में अपने सुपर हीरो सेटअप नहीं कर पाया, उससे ज्यादा अच्छे तरीके से तो बिग बॉस वाले अपनी फाइट सेटअप कर देते हैं। खैर अब आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं गोरी नागोरी के बारे में। गोरी नागोरी जी एक डांसर हैं और इन्हें उतना ही डांस आता है जितना बॉबी देओल को। यूट्यूब पर अगर तुम गोरी नागोरी के बारे में सर्च करोगे ना, तो तुम्हें सजेशन में कुछ ऐसे सर्च रिजल्ट आएंगे। मतलब ठरकी ऑडियंस से व्यूज लेने के लिए बिग बॉस का सीधा कॉम्पिटिशन रील से है। सलमान भाई के भी कितने बुरे दिन आ गए यार, कहां मलाइका अरोरा, कहां कटरीना कैफ के साथ आइटम नंबर करते थे, और अब मुझे पता है पेंडेमिक सब पे बहुत खराब पड़ा है, पर सलमान भाई पे तो सच में बहुत खराब पड़ा है। गोरी अगोरी को बेसिकली बिग बॉस में सिर्फ नाचने के लिए बुलाया गया है। इनको कोई भी हर 5 मिनट में नाचने को बोल देता है और ये अगले 5 घंटे पूरा दिल लगा के नाचती हैं। वेल टिकटॉक के ऑडियंस को भूख पे रोकने का सिर्फ यही एक तरीका है। उसके बाद लास्ट थोड़ी सी फेमस अर्चना गौतम, जो कि एक मॉडल थी, लेकिन फिलहाल ये कांग्रेस की मेंबर है। कांग्रेस की मेंबर सुना तो था यार मैंने कि बहुत खराब दिन चल रहे हैं, पर इतने अरे इसके नहीं कांग्रेस वालों के। तो इन्होंने मॉडलिंग छोड़ के राजनीति ज्वाइन की, जहां पे मेंबर वाली पोजीशन से कभी आगे बढ़ नहीं पाई। मतलब इनका करियर ऑलरेडी डाउनफॉल पे चल रहा है, तो बिग बॉस में आने के बाद खैर छोड़ो ये जॉब अब रेलेवेंट नहीं रहा ठीक इनके करियर की तरह। तो जितनी तवज्जो इनके वोटर्स ने इनको दी है उतनी हम देंगे, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है निब्रत, जिन्होंने LLB कर रखी है, मतलब इस घर के सारे कॉन्टेस्टेंट से सबसे ज्यादा पढ़े लिखी यही है, और प्रोडक्शन और ऑडियंस से भी। सही बोल रहा हूँ ना, नहीं तो कौन ही 2022 में डेड करियर वाले लोगों को आपस में घर के अंदर झगड़ते हुए देखेगा, कोई नहीं देखेगा ना, तभी तो शो नहीं चल रहा। और अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि ऑलरेडी कलर्स के बहुत बड़े टीवी सीरियल में थी छोटी सरदारनी। अब तुम्हें पता चल गया होगा कितना बड़ा टीवी सीरियल था, क्योंकि मैंने भी पहली और आखिरी बार इसका नाम सुना है तुम्हारी तरह। तो अब बात दो खराब पोजीशन पे हैं, पहला फ्रेंड जोन और दूसरा बिग बॉस। उसके बाद आती है प्रियंका चौधरी, ये और अंकित गुप्ता फ्रेंड फ्रेंड बोल के शो में प्यार में पड़ने वाले हैं। अरे सॉरी यार, एक महीने पहले स्पॉइलर दे दिया भाई, गलती से स्क्रिप्ट लीक कर दी मैंने बिग बॉस की। उसके बाद थोड़ी और पलटन है जो कलर्स के पुराने टीवी शो में आती है, और एक बार फिर से कलर्स वालों ने इनका हाथ थाम लिया इनका करियर बचाने के लिए। अब ये बिग बॉस में आपको कुछ दिन दिखेंगे, उसके बाद बिग बॉस खत्म होते एक दो म्यूजिक वीडियो में दिखेंगे, और फिर आपको कभी नहीं दिखेंगे। मुझे लगता है कि इंडिया का हर सेलिब्रिटी बिग बॉस में आए चाहे ना आए, पर अर्जुन कपूर और जानवी कपूर तो कभी नहीं आएंगे, क्योंकि इस शो में नेपोटिज्म चल जाता है पर खराब एक्टिंग बिल्कुल नहीं। और लोग कहते हैं कि भाई जब तुम्हें शो इतना ही नापसंद है तो तुम इस शो के आते इस पे वीडियो क्यों बनाते हो। अरे इतना नापसंद है तभी तो आते ही वीडियो बनाते हैं, क्योंकि मैं खुद नहीं चाहता कि इस शो के ज्यादा एपिसोड आए और फिर मुझे इस पे रिसर्च करनी पड़े। आई लव माय मेंटल हेल्थ यार, मुझे जिंदगी में और भी काम है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर मेरे घर की, तो इसलिए तुम मेरे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे वहां से पैसा कमाओ। और अगर अभी तक तुमने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो
कर लो ब्रोस यार, क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो। और हाँ भाई, किसी को कुछ सीधा नहीं बोलना, किसी को गाली वाली कुछ नहीं बकनी, सब कुछ एंटरटेनमेंट के लिए, वो शो भी एंटरटेनमेंट के लिए, वीडियो भी एंटरटेनमेंट के लिए, बस यही मजे करो। यही कमेंट सेक्शन में तुम्हें जो भी करना है, गाली गलोच ये वगैरह यही कर सकते हो, उसके अलावा कहीं जाके किसी को बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ये चीज देखा, ये पूरी वीडियो के एंटरटेनमेंट के लिए बनी थी। हाँ। लास्ट में ये चीज है ना कि कई लोग वो कर देते, फिर इधर उधर क्या करते हैं, इधर के लोग उधर, उधर के लोग इधर, कुछ ना कुछ हेट कमेंट से हेट। बिग बॉस एक एंटरटेनमेंट शो है, वैसे ही रोस्टिंग एक एंटरटेनमेंट कैटेगरी है। मैं हमेशा इस पे मैं बार बार बोलता हूँ जब भी रोस्ट वीडियो होती है कि वो एक एंटरटेनमेंट कैटेगरी है, वो अपना काम कर रहे हैं आपको हंसाने के लिए, और वो भी जो उनकी क्लिप्स होती है कुछ होता है उसके ऊपर ही अपने हिसाब से अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं मस्ती अंदाज में, ताकि आप लोग को एक एंटरटेनमेंट वाली वीडियो मिल सके, बाकी मजे वही चीज। और अगर बात, मुझे तो ये मस्त लगा, और मेरे पर बहुत सारी जिम्मेदारियां है, तो मेरे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब, वहां पे पैसे कमाओ, पैसे कमाओ, मस्त था। और बाकी बात जो करी है ना, सारी वही चीज जो मीडिया में चल रही है, हर एक चीज, हर एक उसको लेके क्या बोलते हैं, चाहे वो स्टैन के बारे में अगर बात करी है, चाहे फिर साजिद के बारे में बात करी है, चाहे अब्दू के बारे में, मुझे कहीं ना कहीं एक चीज कहूंगा मैं, जो जर्नी मेरे को अब्दू की देखने को मिली ना, बहुत अमेजिंग। तजिकिस्तान कंट्री से उठ के, मतलब कई लोग तो कहते हैं कि उसे अपने पेरेंट्स के लिए अच्छा सा घर वगैरह, अच्छा सा घर बना रहा है, और आज हर, मैं इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक करता ना, हर एक सेलिब्रिटी के साथ, रोनाल्डो वगैरह सब एक सेलिब्रिटी के साथ है। तो बाकी मेरे को मस्त मजा, मुंह फट वाला नहीं कहते, मुंह फट वाला रोस्ट, एक अंदाज जो है वो लक्ष्य का रहता है, एक देसी बना रहता है, मजा आता है देखने में। कुछ कुछ लोगों को कुछ कुछ बातें चुप जाती है, तो भैया देखो आप सबको कुछ नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ बातें बुरी लगेंगी, लेकिन बुरी तब नहीं लगेंगी जब आप इस वीडियो को एज एन एंटरटेनमेंट लोगे, तो एंटरटेनमेंट तक रखें, मस्ती मजाक लें, और बाकी सब सब किसी ना किसी के फैन होते हैं। तो मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ, बाय, हैव गुड डे, टेक केयर।